गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेसिंग लो। दिस इज मंजुला सिंह, योर ब्यूटी एक्सपर्ट। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। आज मैं आपको एक DIY तो बताऊंगी, साथ ही साथ मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है, और उसकी जरूरत आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को है। बस कई ऐसे मैसेज आए हैं, मेल्स आए हैं, जिसमें आप लोगों ने कहा है कि आप बाल लंबे और घने होने के टिप्स तो बताते हैं, लेकिन बालों को नेचुरली ब्लैक कैसे किया जाए, वो भी प्री मेच्योर ग्रेइंग से बचा के कैसे रखा जाए, उसके बारे में आपने बहुत ही कम वीडियोस बनाए हैं। तो चलिए, मैंने राज भी खोल दिया कि आगे क्या आने वाला है। लेकिन चलिए, पहले सेगमेंट में मैं बताती हूँ कि अपने हेयर स्टैंड्स को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगी कि बालों के स्टैंड्स अगर वीक हैं, स्प्लिट एंड्स आपको अक्सर हो जाते हैं, या बालों में बीच बीच से ब्रेकेज होता है, तो सोल्यूशन क्या करना चाहिए। बहुत ही आसान है, चलिए मैं एक DIY आपको बनाकर दिखा देती हूँ। उसको अगर आप रेगुलरली अप्लाई करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे, जड़ से सिरे तक। इस हेयर मास्क के लिए सबसे पहली चीज आपको जरूरत होगी वो है ये एलोवेरा जेल। फ्रिक लीजिए अच्छी तरीके से। मैंने एक मीडियम साइज का लीफ लिया, उसको कट किया, उसके अंदर से ये जेल निकाला और उसको अपने इस मिक्सर में डाला। तो ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट होगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीरो ऑफ द इंग्रेडिएंट है, वो यही है। दूसरा इंग्रेडिएंट है आधा टमाटर। इस तरह से टमाटर को हाफ करके आप पूरे अपने हेयर के स्कैल्प में लगाते हैं, बालों की जड़ों में ऐसे ऐसे रब करके अप्लाई करते हैं, शैम्पू कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसको भी आप हीरो ऑफ द इंग्रेडिएंट ही मानिए। इसका मेन इंग्रेडिएंट ये भी है, जिस दोनों को आप रिप्लेस ना करें। ये हमने डाल दिया है, ये टोमेटो जो होता है वो हमारे हेयर लेंथ को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ हेयर थिकनेस को भी बढ़ाता है, बालों की रीग्रोथ करता है। थर्ड और फाइनल इंग्रेडिएंट होगा मैरीगोल्ड फ्लावर। ये कम से कम दो होना चाहिए। ये अगर आपके पास नहीं है तो इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप ब्राह्मणी या भृंगराज का पाउडर ऐड कर सकते हैं। हेयर मास्क के लिए या हेयर सीरम के लिए हिबिस्कस फ्लावर यूज करते हुए देखा होगा, हिबिस्कस के पत्ते यूज करते हुए देखे होंगे, लेकिन ये यूज करते हुए आप कम ही देखा होगा। मैं इसके बारे में बता दूं कि ये एंटीसेप्टिक होता है, अगर आपके कहीं कट मार्क हो गए हैं तो अगर इसका जूस आप लगाते हैं तो कट्स जो हैं या ब्लीडिंग जो हो रहा है वो तुरंत से कंट्रोल हो जाएगा। तो सोचिए इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज कितना ज्यादा है। तो इसी तरह से हमारे स्कैल्प पे भी काम करता है, आपके जितने भी इन्फेक्शन की वजह से अगर हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है, ये उसको ट्रीट करके आपके बालों के लेंथ को भी बढ़ाएगा, थिकनेस को भी बढ़ाएगा। तो चलिए इसको आप ग्राइंड करते हैं और मैं बताती हूँ कि उसका हेयर मास्क किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इस तरह से मैंने ग्राइंड किया, उसके बाद स्ट्रेन कर लिया और ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा रेडी हो गया। कितना खूबसूरत एक जूस की तरह लग रहा है। आपको इसको कॉटन बॉल से पूरे हेयर रूट्स पे लगाना है या फिर किसी कैचअप की बोतल में डालिए, रूट से लेकर टिप तक लगाइए, लगा हुआ 1-2 घंटे छोड़ दीजिए, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। ये आपके स्कैल्प के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेगा। इसको आप सिर्फ हेयर मास्क ना माने, ये एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनाएगा। देखा आपने कितना आसान था ये बनाना, जितना आसान ये बनाना है इसका फायदा उतना ही ज्यादा होगा कभी। चलिए, मैंने DIY तो आपको बता दिया, अब बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। समय था जब जो बाल सफेद होते थे वो उम्र की निशानी मानी जाती थी, जब भी सफेद बाल हम किसी का देखते थे समझ जाते थे कि चलिए एज तक वो पहुंच गए हैं। लेकिन आज समय बहुत ही अलग है, आज किसी भी एज में बाल व्हाइट हो जाते हैं, जिसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स हो सकता है, या फिर स्ट्रेस होता है, या फिर आपके न्यूट्रिशन में किसी तरह की कोई कमी है, आपके लाइफस्टाइल में ऐसा हो रहा है जिसकी आपके बालों में जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाए और हमारे बाल सफेद ना हो, यानी प्री मेच्योर ग्रेइंग की शिकायत ना हो। रिवर्स आप लोगों में से बोलते हैं कि हमें हेयर डाई नहीं करना, हमें हेयर कलर नहीं करना, हेना से भी प्रॉब्लम होती है, कम कलर होता है, डाई होता है, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं जो असेफ भी नहीं है लगाना। तो एक रास्ता बचता है कि कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन मिले, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मिले जिससे कि हमारे बाल सफेद ना हो, प्री मेच्योर ग्रेइंग से बचे रहें और उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो। ये नहीं कि जब तक अप्लाई किया बाल काले रहेंगे और उसका एप्लीकेशन बंद किया तो हमारा वो प्रॉब्लम फिर से आ जाए। तो जी हाँ, इसी का सोल्यूशन मैं आज लेकर आई हूँ, बॉडी वाइज का 1% डार्कनील हेयर सीरम। इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप प्री मेच्योर ग्रेइंग से बचे रहेंगे, यानी रिवर्स प्री मेच्योर ग्रेइंग की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। इसको रेगुलरली अप्लाई करना है जब तक कि आपका जो ये व्हाइट हेयर का ट्रीटमेंट 100% ना हो जाए, उसके बाद आपके बाल दोबारा सफेद नहीं होंगे। तो अप्लाई करना है आपके हेयर रूट्स में। जब आप इसका एप्लीकेशन हेयर रूट्स में करेंगे तो आपके मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा और आपके बालों को काला बनाएगा नेचुरली। इस प्रोडक्ट को लेकर आज इसलिए आई हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन ये परमानेंट है। मैंने ऐसे कई चीजें देखी हैं जिसको अप्लाई करने के बाद कुछ दिनों तक उसका रिजल्ट रहता है और धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देता है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके बालों के प्री मेच्योर ग्रेइंग का सॉल्यूशन आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा। ये जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल में, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ये आपके बालों पे किस तरीके से काम करेगा और इसको अप्लाई कैसे करना है। बॉडी वाइज 1% डार्कनील हेयर सीरम के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है आंवला, भृंगराज, हिबिस्कस, हेना, इंडिगो, अनार का छिलका, बहेड़ा, हड़ड़, ब्लैक टी, वॉलनट, और हीरो ऑफ द इंग्रेडिएंट है डार्कनील। ये सारे वंडरफुल इंग्रेडिएंट्स मिलकर आपके सफ़ेद बालों को न सिर्फ काला बनाते हैं बल्कि आगे भी सफ़ेद होने से बचाते हैं।
ये इंग्रेडिएंट्स हेयर फॉलिकल को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं जिससे कि आपके बाल नेचुरली ब्लैक हो सकें। ये लाइट वेट नॉन स्टिकी ओडरलेस फॉर्मूला से बना है, यानी सबके लिए परफेक्ट है। इसमें पैराबन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। जैसा कि इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने आपको दे दिया उसे आपको पता चल गया होगा। इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता दूं। इसको बालों की जड़ों में लगाना है, हेयर रूट्स पे लगाना है ड्रॉपर की हेल्प से। एप्लीकेशन के बाद हल्का सा मसाज करना है, उसके बाद छोड़ देना है, हैंड वॉश कर लेना है। अगर आप प्री मेच्योर ग्रेइंग से बचना चाहते हैं तो कुछ हैबिट्स आपको अपने डेली रूटीन में ऐड करने होंगे। हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना होगा, केमिकल एजेंट्स हीटिंग एजेंट्स से अपने बालों को बचा कर रखना होगा, अपने बाल को हार्श सन रेज से भी बचा कर रखना होगा। अगर अपने डेली रूटीन को हेल्दी बनाकर रखते हैं, स्ट्रेस फ्री रखते हैं, तो आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे। आपने कितने कमाल का है ये सॉल्यूशन, और सबसे बड़ी बात है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो डार्कनील होता है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपके बालों में पूरी तरह से सेफ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि समय से पहले जो बाल सफेद होते हैं ये उसका सॉल्यूशन है। अगर इसको अप्लाई करने के पहले आप डॉक्टर की राय लेना चाहते हैं, उसका भी सॉल्यूशन बॉडी वाइज के पास है। आप बॉडी वाइज के फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन की हेल्प ले सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना केस डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है, साथ ही साथ फ्री की एडवाइस भी मिल रही है। जैसा कि मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि बॉडी वाइज एक फ्री लाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपके हेयर में अगर प्रॉब्लम है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है, यूटीआई इश्यूज हैं, या फिर पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं, तो वहां पे आप कंसल्ट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से अच्छा क्या हो सकता है कि कहीं से आप प्रोडक्ट भी ले रहे हैं और साथ ही साथ फ्री के एडवाइस भी ले रहे हैं। होप करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुई होगी। जो डीआईवाई है वो भी आपके काम आएगा और साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट भी आपके काम आएगा। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा कमाल का प्रोडक्ट मैंने तो नहीं देखा था। मैंने ये फंक्शन करना शुरू करेगा आपके स्कैल्प से, यानी ये कलर नहीं है जो ऊपर ऊपर से आपके बालों को कलर करेगा, डाई करेगा, बल्कि ये आपके ट्रीटमेंट करेगा व्हाइट हेयर का। प्रीमैच्योर ग्रेइंग की समस्या से आप लोगों में से जो भी परेशान है एक बार इसको जरूर ट्राई करें, उसके बाद रिजल्ट आपको जल्दी ही नजर आ जाएगा। करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।